अब मुझे खुशी इस बात की है कि आज दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है, दुनिया का एक भी देश और सभी राज्य भी जो पक्ष के हैं जो विपक्ष के हैं, अगर उसमें से कुछ लोग इस प्रकार की बात उठा रहे हैं, मुझे लगता है अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए ये समय अभी कोई इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, राजनीति करने के लिए काफ़ी समय है लोगों को, और सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक कहीं न कहीं जो भी कमी है उसको 1 घंटे के अंदर हम लोगों को रिपोर्टिंग आती है, जो राज्य जितना अपने बारे में बोलता है उसको और जिनका जितना वैक्सीन पड़ जाता है सब कुछ उसके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उसके आवंटनकर्ता हैं, कहीं कोई कमी हम लोगों ने नहीं रखा है, किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं, और प्रतिदिन जानकारी उससे ली जाती है, हर घंटे की मॉनिटरिंग होती रहती है, कितना वैक्सीन पड़ा, कितना भेजा गया, कितना पड़ा, कहाँ कहाँ किस सेंटर में कितना पड़ा, ये भी हम लोग राज्य के हर सेंटर का यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाता है, और इसलिए इस प्रकार का ये कोई भी बात पूरी तरह से इसमें जो राजनीति कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपात स्थिति में हम सब लोगों को मिल करके, और केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तो संघीय व्यवस्था के मुझे लगते हैं प्रतिपादक हैं, हर तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री को आज भी मीटिंग करने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लिया है। जिस तरह कोरोना के केस लगातार आ रहे, और क्या देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है या कुछ और सरकार सोच रही है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए पूरी तरह से और हर क्षण हर पल प्रधानमंत्री जी और इसका ख्याल रख रहे हैं, हम लोगों ने सभी राज्यों के साथ काफ़ी तालमेल करके और राज्यों से सूचनाएं एकत्रित किया जा रहा है, पूरा हमारा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय ऑलवेज वहाँ के राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में है, जहाँ जो जैसी स्थिति है वहाँ पर एनसीडीसी और भी जो एक्सपर्ट की टीम है वहाँ भेजी भी जा रही है, भेजी भी गई थी, आगे उसके साथ जो भी प्रोटोकॉल को और कैसे अच्छे तरह फॉलो किया जाए, और मुख्य रूप से है कि राज्य सरकारों को टेस्टिंग का, ट्रैकिंग का और ट्रीटमेंट का, यही एक मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, और उसमें भी 70-75% जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर हो, ये ध्यान देना है, और उसके साथ साथ ढिलाई नहीं बरती जाए, दवाई के साथ ढिलाई नहीं, वैक्सीनेशन का टीका जरूर लें, और वैक्सीनेशन का अंतराल भी जो है, जो कोवैक्सीन है उसका 4 सप्ताह के बाद दूसरा डोज, जो अपना कोविशील्ड है उसका 6 सप्ताह के बाद ही दूसरा डोज पड़ेगा, ये सभी स्तर पर एडवाइजरी भी जारी किए जाते हैं और लगातार बातचीत की रहे कर रहे हैं। तो ये वायरस को देखते हुए कुछ राज्यों में बढ़े हैं, कुछ राज्यों में ज़्यादा बढ़े हैं, और ये दूसरे तीसरे फेज में भी कुछ राज्यों में प्रवेश हुआ है, विभिन्न राज्यों में दूसरे मतलब चरण में प्रवेश कर रहा है, उसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं और उस पर कंट्रोल करने के लिए यही जो मूल मंत्र है, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का, और साथ साथ जो दवाई का प्रोटोकॉल है, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाते रहना और सावधानी बरतना, हाथ धोना, कम्युनिटी में कहीं भी दूरी बना के रखना, मास्क पहनना, ये सारे चीज़ परहेज के हैं, लापरवाही ना बरतें, सावधानी बरतें, और हम दवाई के साथ मतलब कोई प्रकार का ढिलाई नहीं बल्कि कड़ाई के साथ हम अपने आप को अनुशासन और समाज में भी एक दूसरे का संक्रमण ना फैले इसका ख्याल पूरा रखें।